आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टेशन है, एकदम ऐसा लगता है पूरा एयरपोर्ट ही बना हुआ है। ट्रेन का सफ़र करना चाहता हूँ तो आज हम लोग टिकट बुक करने आए हैं। हम लोगों ने हमारा टिकट ले लिया है यहाँ से कुंशान से बीजिंग के लिए। ये रहा टिकट, आपको दिख रहा होगा। ट्रेन का वाटर टेस्ट है, काफ़ी स्टेबल ट्रेन है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं आज जा रहा हूँ कुंशान रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हम लोग, मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ एक्चुअली। शंघाई टू बीजिंग जाने का मेरा प्लान था, बट अभी हम लोग कुंशान सिटी में हैं, तो कुंशान सिटी से हम लोग बीजिंग के लिए टिकट खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ से होटल से कुछ पड़ता है मेरे 20 किलोमीटर, तो अभी मैं टैक्सी लेकर जा रहा हूँ कुंशान साउथ रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे जाके हम लोग आज टिकट बाय करने वाले हैं। मैंने सुना था कि थोड़ा पासपोर्ट चाहिए होता है आपको टिकट लेने के लिए, तो मैंने मेरे साथ पासपोर्ट ले लिया है मेरा। और आगे हम लोग स्टेशन पे जाकर मैं आपको आगे का अपडेट करता हूँ, जाके देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होती है टिकट खरीदने की, कैसा रेलवे स्टेशन होता है और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी सब मैं आपको डिटेल देता हूँ। तो आज हम सिर्फ टिकट खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वीचैट पे लॉगिन नहीं है। मेरे पास लोकल बैंक का अकाउंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं वीचैट और इनका अली एक्सप्रेस पे मैं अपना लॉगिन नहीं कर पाता हूँ, तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग इसलिए ऑनलाइन। तो इसलिए मैं खुद जाकर अभी स्टेशन से टिकट खरीदूँगा। आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टेशन है, एकदम ऐसा लगता है पूरा एयरपोर्ट ही बना हुआ है। तो यहाँ पे इनका ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा ही है। अभी हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं कुंशान। यहाँ का स्टेशन देख सकते हो इंडिया से काफ़ी अलग होता है, साफ़ सुथरा और क्या ही कहे। काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था कि मैं इस ट्रेन में बैठूं, जब से चाइना आए हो मेरा तब से चल रहा है माइंड में कि मुझे एक बार तो भी बैठना है इस ट्रेन में। तो इंडिया से पहले मैं यहाँ बुलेट ट्रेन का सफ़र कर लूँगा। इंडिया में बनने लिए टाइम लगेगा, अपना 1 साल तो लग ही जाएगा, और तब से उससे पहले यहाँ पे मैं बुलेट ट्रेन का सफ़र करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग टिकट बुक करने आए हैं, और 3 दिन बाद हम लोग बीजिंग के लिए निकलेंगे यहाँ से। मैं मॉर्निंग का टिकट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह निकलूँगा तो 12-1 बजे तक बीजिंग पहुँच जाऊँगा। अभी हम लोग यहाँ पे टिकट खरीदने के लिए आए हो, तो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आप खुद से भी टिकट खरीद सकते हो। यहाँ पे उन्होंने मशीन दी हुई है सारी जगह पे, तो आप खुद से भी यहाँ से टिकट बाय कर सकते हो, या नहीं तो आप मुझे बैक साइड में देख रहे हैं तो उस एरिया में जाकर भी आप लोग टिकट खरीद सकते हो। अभी हम लोगों ने हमारा टिकट ले लिया है यहाँ से कुंशान से बीजिंग के लिए। ये रहा टिकट, आपको दिख रहा होगा। तो हमारी परसों की सुबह की टिकट है 8:30 बजे, क्योंकि मॉर्निंग की 7 बजे वाली मिली नहीं क्योंकि वो फुल थी। अभी सेकंड क्लास में सबसे यहाँ का ट्रेन का टिकट है 557, मतलब 650 युआन तो पकड़ ही लो कि आपको यहाँ से खर्चा लगेगा। अगर आप फ्लाइट से भी जाना चाहते हो तो फ्लाइट से भी अवेलेबल है, बट वो थोड़ा महंगा जाएगा, कॉस्टली जाएगा। बट ये भी मैं थोड़ा बुलेट ट्रेन वाले में जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए इसका कॉस्ट इतना है। अगर आप नॉर्मल ट्रेन से भी जाना चाहते हो तो उसका टिकट कुछ 450 या 400 युआन पड़ता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको बीजिंग के जाने के लिए। आप बाय कार भी जा सकते हो, बाय फ्लाइट भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। तो मुझे तो ट्रेन ही रिजनेबल लगती है, और बुलेट ट्रेन का भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और काफ़ी दिनों से सोच रहा था, आज फाइनली जा रहा हूँ। तो परसों के दिन हम मिलते हैं, स्टे ट्यून। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जा रहे हैं बीजिंग, तो हम लोग अभी रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं। तो मैंने कैब बुक करी है, कैब आ रही है, उसका ही वेट कर रहा हूँ मैं। सुबह के 5:40 हो चुके हैं और हम 2 घंटा पहले जा रहे हैं क्योंकि हमारी वहाँ पे एयरपोर्ट जैसे ही चेकिंग होती है, तो 2 घंटे पहले जाके सारा सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है, और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और 5-5.5 घंटे में हमको
बीजिंग पहुंचा दी गई हमारे ट्रेन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हाई स्पीड ट्रेन से। अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारे सफ़र पे, अभी मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग आधे से एक घंटे में पहुंच जाएंगे स्टेशन। इस बार हम बहुत सारे प्लेसेस कवर करेंगे बीजिंग के अंदर, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है फर्स्ट, सेकंड हम फॉरबिडन सिटी या एम्पायर पैलेस बोल सकते हैं, दूसरा और तीन चार जगह है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला है। इनका ये ट्रैक है जो ये ट्रैक पूरा बीजिंग तक ऐसे ही बना होगा। हेलो गाइस, अभी हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और पहले तो हम लोग पहले सिक्योरिटी चेक करेंगे, वहां से फिर हमें ट्रेन में जाने दिया जाएगा। आप बिना टिकट ट्रेन के आसपास भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि विदाउट टिकट जैसे इंडिया में होता है कि कोई ट्रेन के पास तक पहुंच जाता है विदाउट टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट लेकर, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी हम लोग सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर बैग चेकिंग करने के बाद फिर हम लोग ऊपर के फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी होगी बीजिंग के लिए। तो चलते हैं आज बीजिंग। मेरा भी फर्स्ट टाइम है हाईस्पीड ट्रेन में बैठने का, तो ये वाला एक्सपीरियंस लेना था मुझे, आपको भी दिखाना था। तो ये जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है चाइना टूर में से, बीजिंग नहीं गए तो क्या किए। अभी हम लोग वेटिंग एरिया में आ चुके हैं, यहाँ पे जैसे आपकी ट्रेन आती है वैसे ही आपका ट्रेन नंबर का अनाउंसमेंट होता है, वहाँ से आप लोग जा सकते हो। ये वेटिंग एरिया है पीछे के साइड में। इस तरह का टिकट होता है, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, इस तरह का टिकट होता है जो कि आपको वहाँ पे दिखाना होता है। अभी हमारा टाइम तो नहीं हुआ है, अभी हमारे ट्रेन का नाम है, मगर ऐसे अलग अलग जगह पे बने हुए हैं चेक इन करने के लिए। जैसे पीछे बैक साइड में वन नंबर है, यहाँ पर ये वाला बैक साइड में देखिए कि टू नंबर है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं एट अप टू एट तक, तो आपको जैसे आते हो स्टेशन पे तो ये ज़रूर चेक करना कि आपके टिकट के नंबर पर यहाँ पे लिखा होता है, उस कॉर्नर पे लिखा होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। तो आपको डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको दो नंबर एक साइड में राइट साइड में, तो यहाँ से हमको मिल जाएगी। अभी हमारा ट्रेन नंबर नहीं आया, अभी जैसे ही ट्रेन आती है हम लोग ऊपर बोर्डिंग के लिए ऊपर चले जाएंगे। अंदर जाने नहीं दिया जाता है, वेट करना पड़ता है, यहाँ पर भी सब लोग लाइन से खड़े हुए हैं। तो और जैसे ही नंबर आएगा हमारा हम लोग चलेंगे ऊपर। ट्रेन बहुत शार्प आती है टाइम पे, यहाँ पे बिल्कुल भी लेट नहीं होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोचेंगे कि इंडिया जैसे 5 मिनट 10 मिनट लेट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट भी यहाँ पर ट्रेन लेट नहीं आती है, ऑन टाइम चलती है सब लोग। तो आपको जल्दी आकर सिक्योरिटी चेक करके फिर अंदर चले जाइए। बट और एक चीज़ है आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप कई और सिटी में ट्रैवल करते हो ट्रेन से तो पासपोर्ट ज़रूर रखिए अपने साथ, विदाउट पासपोर्ट आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा आपको ट्रैवल करते वक्त पासपोर्ट पास में रखना। अभी हम लोग KFC चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेन को टाइम है अभी आधा घंटा में बाहर निकलते हैं, तो कुछ खा के निकलते हैं क्योंकि भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अभी मैंने कुछ चिकन विंग्स और बर्गर लिया है खाने के लिए, कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लग गई है, कुछ खा के फिर निकलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है, आप बिना आपको जैसे अपना आधार कार्ड है
वैसे वो दिखाने के बाद ही आपका गेट खुलेगा, बाकी टिकट तो आपका अंदर चेक होगा। ये हमारा टाइम तो हो चुका है, थोड़ी देर में हम लोग ऊपर चलेंगे। काफ़ी देर से वेट कर रहा था मैं, अपना आधा घंटा हो गया। हमने अभी खाना भी खा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने सिक्योरिटी चेक करके आ गए, ऊपर जा रहे हैं एलिवेटर के साथ। अभी हमारी ट्रेन है ऊपर। सिक्योरिटी चेक में पासपोर्ट ले नहीं रहता तो टीसी ने छोड़ दिया हमको अंदर। पता नहीं क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत थी। वैसे टिकट भी है, पासपोर्ट भी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो अभी ऊपर चलते हैं, अभी फाइनली दिखेगी हमारी ट्रेन। आ गई ट्रेन, यहाँ पर बढ़िया है। अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हो बैक साइड में। ये देखिए हमारी ट्रेन भी आएगी यहाँ पर। पता नहीं किस साइड में खड़ा होना है क्योंकि यहाँ पे कुछ S1 S2 लिखा नहीं होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है किधर जाना है। पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं। नेक्स्ट, ओके। हम लोग थोड़ा पीछे थे, अभी आगे जाना है। हमारे जैसे सिस्टम है S1 S2 जैसा यहाँ पर भी है। तो मेरा 16 चाइनीज़ में कुछ लिखा है, 06A लिखा हुआ है। तो हमें उसी साइड में जाना है, वहाँ पे हमारा डब्बा रहेगा। डब्बा मतलब बोगी जो भी कह लो। तो वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे तो अलग ही नज़ारा है, मतलब माहौल ही बहुत बढ़िया है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो। ये देखिए मेरे पीछे इनकी ट्रेन्स, फास्टेस्ट ट्रेन्स। पता नहीं चल रहा है अभी, तो लिखा है कार्ड पे 16A 06, शायद 16A हमारा सीट नंबर है और 06 हमें उस वाले साइड में जाके खड़ा होना है। हमारे यहाँ S1 S2 S3 D1 D2 D3 ऐसे अलग अलग होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने भी ऐसा 06A, ऐसे अलग अलग है 10A 11A 12A, ऐसे नंबरिंग की हुई है। हम लोग भी वहाँ पे जाके हमारा वेट करेंगे। काफ़ी स्पीड में चलती है ट्रेन्स तो बढ़िया है। इनका ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत सही है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर घूमने के लिए आने के लिए। तो इजी पड़ता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आप देख सकते हैं पीछे बैक साइड में ये ट्रेन है, ये यहाँ की हाई स्पीड ट्रेन है। मेरी ट्रेन आई नहीं है, वो आते ही हम लोग आ गए हमारी ट्रेन भी। तो हम लोग भी यहाँ से बोर्डिंग करना चालू कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग अंदर तो आ चुके हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पर, बढ़िया फीलिंग आ रही है। अभी हम लोग 15 में है बोगी नंबर, हमें 16 में जाना है। ऐसे चलते हैं हम लोग, काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके, पहुँच गए 16 तक, काफ़ी भागना पड़ा। एक्चुअली मैं उधर ही था पर बंदे ने गलत बता दिया था। तो 16 हम लोग आ चुके हैं, अभी हमारा सीट नंबर ढूंढते हैं 06।
काफ़ी अच्छा माहौल है, अभी हमको विंडो सीट मिल गया है। मैंने उसी को टिकट निकालते वक्त ही बोला था विंडो सीट, तो अवेलेबल थी इसलिए मिल गई, क्योंकि काफ़ी बढ़िया व्यू लगता है यहाँ से। यहाँ के रास्ते काफ़ी बड़े हैं, प्रॉपर बड़े ब्रिजेस है, रेलवे को भी उन्होंने मतलब एक हाइट पे रखा हुआ है, इसकी वजह से या तो ट्रैफिक की वजह से या कोई भी एक्सीडेंटल इशू यहाँ पे नहीं आएगा, ये फुल स्पीड में चल सकती है ट्रेन। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ये ट्रेन्स भी इतनी स्मूथ चलती है कि आपको फील भी नहीं होगा कि आप इतने हाई स्पीड पे चल रहे हो और आपको ना झटके लगेंगे ना कुछ। अभी 360 किलोमीटर पर आवर चल रही है ट्रेन, इतनी स्पीड पे भी बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि 70-80 के स्पीड से चल रही है ट्रेन, पर बिल्कुल भी वॉबल और वाइब्रेशन ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ के नाम लेने, आप देख सकते हो अभी 306 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन, और मैं आपको इस स्पीड पे मोटर का दिखाता हूँ, देख सकते हैं 307 किलोमीटर पर आवर चल रही है। और अभी यहाँ देखिए मोटर का बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हो रही है, पूरी बॉटल स्टेबल है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग व्यू से, एकदम स्टेबल है, काफ़ी देख सकते हो ये ट्रेन का वाटर टेस्ट है, काफ़ी स्टेबल ट्रेन है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं होती है ज़्यादा। पानी का वाइब्रेशन बहुत देखिए, बहुत कम है, प्रॉपर रखा हुआ है बैठक, तो देख सकते हो कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो इन लोगों का अभी आर्किटेक्चर में काफ़ी अच्छा नाम हो गया है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया कि बहुत ज़्यादा आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज में आगे जैसा फील होता है पूरा। तो ये देखिए कितना बढ़िया है। चाइना हैज़ 1,55,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क वाली कंट्री है। और वैसे हम लोग देखें इंडिया की भी, इंडिया भी फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में। तो अभी हम लोग बात करेंगे चाइना के, तो चाइना का जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, हाईएस्ट रेल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, जो 42,000 किलोमीटर का पड़ता है। और जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं वो वाली 350 किलोमीटर पर आवर चलती है। और एक ट्रेन है जो चाइना में चलती है, जो इससे भी ज़्यादा स्पीड पे चलती है, जिसका नाम मैंगलो ट्रेन है, जो मैंगलो मतलब मैग्नेट टेक्नोलॉजी पर चलती है, जिसकी स्पीड है 430 किलोमीटर पर आवर। और ये ट्रेन आपको 7 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर पहुंचा देती है, तो आप समझ सकते हो कितनी हाई स्पीड पे चलती है। बजे है 12:20 और एक घंटा लगेगा हमें बीजिंग पहुंचने में, तो हमें
एक घंटे में पहुंच जाएंगे बीजिंग। और ज़्यादातर ये लोग गेहूँ लगाते हैं, हर तरफ गेहूँ की फसल लगी हुई है अभी तो। कुछ एक या दो महीने वाला गेहूँ का स्टेज है, वही तो यहाँ पर फसल अभी हरी है गेहूँ की, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में होती है हर तरफ आपको गेहूँ दिखेगा वैसे ही यहाँ पर गेहूँ दिख रहा है। तो काफ़ी फैला हुआ है, लोग पता नहीं रोटी तो नहीं खाते हैं पर शायद ब्रेड के लिए या फिर दूसरे चीज़ों के लिए ये लोग यूज़ करते हैं गेहूँ का। तो ये लोग काफ़ी गेहूँ की पैदावार करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े खेत है यहाँ के, देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसे छोटे छोटे बने हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े खेत हैं। तो लोग फार्मिंग भी अच्छे से करते हैं यहाँ पर, ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपको खेतों में यूरिया या फिर दूसरी दवाइयाँ डालनी हो तो ये सारी चीज़ें ड्रोन से करवा लेते हैं। इनके पास भी काफ़ी बड़े बड़े ड्रोन्स यूज़ करते हैं ये लोग दवाइयाँ छिड़कने के लिए। तो लेबर बहुत कम चाहिए होते हैं इस चीज़ के लिए, फिर इन चीज़ों का काफ़ी टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करते हैं ये लोग। गाइस अभी हम लोग बीजिंग पहुंच चुके हैं, सुबह 8:30 बजे सफ़र चालू किया था, अभी 2 बज गए हैं और 2 बजे हमने सफ़र कंप्लीट किया, तो 5.5 घंटे लग गए अभी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, मैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं और नए वीडियो डाल पाऊँगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, तो जैसे ही वीडियो में आपको आगे और डालता रहूँगा, तो आपका प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आगे ऐसे वीडियो और बनाते रहेंगे। अभी हम लोग बीजिंग स्टेशन पे आ चुके हैं, ये हमारे पीछे ट्रेन थी, इसने हमको 2 बजे पहुँचा दिया बीजिंग में, तो अभी हम लोग टैक्सी लेते हैं जल्द से जल्द और फिर निकलते हैं हमारे नए डेस्टिनेशन पर। सफ़र में काफ़ी मज़ा आया, तो यहाँ से जल्द चलते हैं। पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरा पासपोर्ट रिटेक करता ही नहीं है, कभी भी उन्होंने चेक किया सिक्योरिटी चेक में, कभी भी रेड जोन दिखा रहा था बट उन्होंने जाने दिया, पर ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, शायद कोई इशू होगा क्योंकि हम लोग अभी पहुँचे, अभी पता नहीं किधर जाना है, एग्ज़िट करना है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, भीड़ काफ़ी है यहाँ पर, बीजिंग हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन है, तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी ये वाली टैक्सी है इधर, तो चलते हैं टैक्सी लेकर, पता नहीं यहाँ पे टैक्सी का रेट कितना है, जहाँ पे पुंशन सिटी में तो 10 युआन लेता है मिनिमम वाला, और शंघाई में तो मिनिमम 16 युआन वाला था, अभी पता नहीं यहाँ पर कितना है हो गया। यहाँ से कोई भी फॉरबिडन सिटी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ के एक महिला पुलिस कर्मचारी ने मुझे हेल्प की है,
वो उसने बताया कि आपको सबवे से जाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी टैक्सी जाने के लिए रेडी नहीं है। मैंने काफ़ी वेट किया वहाँ पर टैक्सी के लिए। वैसे हम लोग सबवे लेंगे तो सबवे के लिए चलते हैं। अब यहाँ से सबवे लेते हैं क्योंकि कोई भी टैक्सी जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो ठीक है चलो सही है, सबवे स्टेशन चलते हैं, वहाँ से ईजी पड़ेगा। सबवे स्टेशन शायद नीचे ही है के पास में ही है, तो पहले टिकट ले लेते हैं यहाँ से। लो मिलते हो मैं अगले ब्लॉग में, तो सब्सक्राइब जरूर करना, स्टे ट्यून्ड, ये अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो बाय बाय।